वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जब भी कभी दांत में दर्द होता है, दांतों में केविटी हो जाती है या फिर खाना फंसता है और आप डेंटिस्ट को दिखाते हो और वो आपको उसमें फिलिंग करने यानी सीमेंट फिल करने की एडवाइस देते हैं, जिसको आम भाषा में आप बोलना चाहो तो मसाला भरना भी बोल सकते हो दांतों की गेप में, तो उसका जब सजेशन देते हैं और आप डॉक्टर के पास जाके फिलिंग करवा लेते हो, कुछ दिनों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 2 या 3 दिन बाद आप नोटिस करते हो कि आपके जिस दांत में फिलिंग कराए उसमें दर्द होने लग जाता है। तो मेरा जो ये आज का वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि फिलिंग कराने के बाद दर्द क्यों हो जाता है। नॉर्मल दांत था, कैविटी थी, फिलिंग करवाने की एडवाइस मिली, फिलिंग करवा ली, तो ये पहले तो दर्द नहीं था लेकिन ये मसाला या जो सीमेंट फिल है वो करने के बाद दर्द क्यों हो जाता है और इसका क्या इलाज है, इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिलिंग करवाने की एडवाइस किन केसेस में आपको मिलती है, यानी क्यों ज़रूरत पड़ती है फिलिंग कराने की। अगर आपके दांत में कैविटी है, सेंसिटिविटी है, दांतों के बीच में गेप है, खाना फंसता है दांतों में, तो ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हो सकता है आपको वो बोले कि इसमें सीमेंट फिल करा लीजिए, जिससे आपके दांतों के बीच का खाना फंसना बंद हो जाएगा और आप आराम से खाना खा सकोगे। उसके बाद टाइम आता है कि ठीक है फिलिंग कर दीजिए, आप फिलिंग करवा लेते हो। फिलिंग अलग अलग टाइप्स की होती है, GIC फिल होती है, कॉम्पोजिट होती है, अमलगम होती है जिसको हम चांदी के कलर की फिलिंग भी बोलते हैं, ये अलग अलग टाइप्स की है, मैंने ऑलरेडी वीडियो उन पर बना रखा है। अगर आपको फिलिंग्स के टाइप्स देखने हैं कि फिलिंग कितने प्रकार की होती है, सबसे अच्छी फिलिंग कौन सी है, तो आप बेल आइकन पर क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सी फिलिंग आपके लिए बेस्ट है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। लेकिन इसमें यही जानेंगे कि दर्द क्यों हो जाता है। तो आपने जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके दांत के लिए सूटेबल है वो फिलिंग आपके डॉक्टर ने आपके कर दी है, अब आप आराम से घर गए हो, लेकिन एक किसी के उसी दिन हो जाता है, किसी के 2 दिन बाद या किसी के 1 महीने बाद दांत में जब कुछ खाना खाते हैं या नॉर्मली कभी कभी बिना खाना खाए हैं दांत में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न ये होता है कि हो सकता है कि आपके दांत की कैविटी है उसकी अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हुआ है, तो पहले तो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है कि कहीं फिलिंग निकल तो नहीं गई है, कहीं साइड से थोड़ी सी फिलिंग है वो हट गई है जिसकी वजह से वहाँ खाना फंस रहा हो और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो, इसकी वजह से दर्द है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही नोट करनी है। अगर आपकी फिलिंग एज इट इज़ वैसे ही है, नहीं निकली है, तो हो सकता है कि आपकी जो कैविटी है वो डीप हो। डीप का मतलब होता है कि जो दांत की जो दांत है उसमें 3 लेयर होती है, फर्स्ट इनेमल होती है जो सबसे ऊपरी होती है, सेकंड डेंटिन होती है और थर्ड होती है पल्प। जब कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है, आप इस टाइप की देख सकते हो, इस टाइप की लेयर होती है, तो जब कैविटी पल्प तक पहुँच जाती है तब दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब पल्प में पहुंच जाते हैं तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको फिलिंग की एडवाइस नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी बॉर्डर लाइन पे होता है, यानी हल्का सा कोई पोर्शन है वो इन्फेक्शन है वो डीप होता है, लेकिन जनरली जब हम देखते हैं चेक करते हैं तो नहीं पता चलता है बिना एक्सरे करे कि इसमें कहीं ये कोई पोर्शन है वो इन्फेक्शन पल्प तक है या नहीं। तो ऐसे केसेस में कभी जब हम फिलिंग कर देते हैं तो फिलिंग करने के कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने, किसी के 6 महीने बाद वो जो इन्फेक्शन है वो उसको परेशान करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिलिंग में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एक यही कारण होता है, इसलिए अगर आपके दांत में कभी दर्द हुआ है कैविटी की वजह से बहुत ज़्यादा, और अगर आपको लगता है कि आपकी फिलिंग डीप है, तो आप एक बार एक्सरे ज़रूर करवाइए, एक्सरे करवा के ही उसमें फिलिंग करवाइए। अगर वो बॉर्डर लाइन पे है या फिर पल्प तक पहुंच गया है तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट फिलिंग ना करवाइए और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के फिर फिलिंग करवानी है, फिलिंग या कैपिंग जो भी दांत के लिए सूटेबल है वो आप करवा लीजिएगा। तो एक तो ये कारण होता है कि अंदर जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक है, इसलिए आपके दांत में दर्द हो गया है। इसके अलावा क्या रीज़न होता है, कभी कभी कोई भी अचानक से आपकी फीलिंग एकदम छोटी कैविटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आपने कोई ऐसी चीज़ बाइट कर ली है, अचानक से हार्ड चीज़ बाइट कर ली, तो उसकी वजह से प्रेशर पेन हो जाता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो गम्स वगैरह या जो पेरियोपैकल एरिया है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। उस इन्फ्लामेशन की वजह से भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। तो उस ऐसे ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए आपको, हो सके तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, जाके उनको आप इसके लिए एक कोर्स होता है एंटीबायोटिक वगैरह का, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे वो इन्फ्लामेशन ठीक होएगा और आपका दर्द है वो वैसे ही चला जाएगा। ये है एक तो कारण। एक होता है कि कभी कभी क्या होता है, हाई पॉइंट्स रह जाए, यानी कि आप घर गए, फीलिंग ठीक ठीक, कोई दर्द नहीं है, लेकिन आप घर जाते हो एक या दो दिन में कभी कभी दर्द हो जाता है। तो उसका रीजन होता है कि कोई जब फीलिंग करते वक्त अगर आपने कॉम्पोजिट फीलिंग करवाई है किसी भी, तो सेटिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। कॉम्पोजिट वहीं सेट हो जाती है, लेकिन GIC या फिर आपने एमलगम कराए तो उसको सेट होने में टाइम लगता है। तो कोई हाई पॉइंट्स रह जाता है और उस हाई पॉइंट्स की वजह से जब आप बाइट करते हो तो आपको अच्छे से बाइट नहीं हो पाती है, खा नहीं पाते हो और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एक ये रीजन भी हो सकता है। ये इस टाइप का कोई भी अगर आपको रीजन दिख रहा है कि हाथों हाथ घर गए और उसी दिन दर्द हो गया या फिर दूसरे दिन दर्द हो गया, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ को चेक करवाइए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये है कि फीलिंग कराने के बाद क्यों दर्द हो जाता है, किन कारणों की वजह से दर्द है। तो साथ ही मैंने आपको साथ साथ में इलाज बता दिया है कि अगर आपके डीप केविटी है तो आपको रूट केनाल ट्रीटमेंट करवा के फिर फिलिंग करवानी चाहिए, और अगर आपके दांतों में इन्फ्लामेशन है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करेंगे, उससे आपका दांत का दर्द वो ठीक हो जाएगा। हाइपोन्स है तो इसको रिड्यूस करवाना चाहिए। तो मैंने ये आपको ट्रीटमेंट भी साथ साथ में बता दिया है। अब ये जानते हैं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं कि ये प्रॉब्लम में आपको फेस नहीं करनी पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी फीलिंग है, आपका जो दांत में डॉक्टर ने आपको फीलिंग एडवाइस क्यों की है। अगर आपके दांत में गेप है, छेद है और उसमें खाना फंसता है, तो उसको पूरा चेक करवाइए डॉक्टर से कि कहीं डीप तो नहीं है इन्फेक्शन। ये अगर डीप है तो आप उसी टाइम स्टॉप कीजिए और उसका या तो पहले टेम्परेरी फीलिंग करवा लीजिए, टेम्परेरी फिलिंग के बाद आप उसमें परमानेंट फिलिंग करवाएं। टेम्परेरी फिलिंग का मतलब होता है कि एक हल्की सी नॉर्मल फिलिंग आती है, इस टाइप की आप फोटो में देख सकते हो, इस टाइप की टेम्परेरी फिलिंग आती है, उसको डॉक्टर फिल कर देता है। वो 3 से 4 दिन चेक करते हैं कि आपके कोई दर्द है या नहीं है। अगर दर्द नहीं है तो आप फिर परमानेंट फिलिंग करवा लीजिएगा। तो एक तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने TF मतलब टेम्परेरी फिलिंग करवाई है और उसके बाद परमानेंट फिलिंग करवाते हो, तो बहुत कम केसेस में आगे जाके आपके फिलिंग के बाद दर्द होता है। दूसरा, एक्सरे जरूर करवा लें अगर आपकी फीलिंग आपको डीप लग रही है और बाय चांस कभी कभार दर्द हुआ है कैविटी में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने दांत का एक्सरे जरूर करवाना चाहिए। और एक्सरे करवा करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि आपको फीलिंग करवानी है या नहीं करवानी है। इसके अलावा जब जिस दिन आपके फीलिंग हो उसी दिन श्योरली उसी टाइम डॉक्टर के पास अगर आप हो सके तो, वैसे तो डेंटिस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको दर्द ना हो, तो वो हर चीज़ को अगर आपके हाई पॉइंट्स है तो उसको रिड्यूस करते हैं सब चीज़ें, लेकिन आप भी उस टाइम अच्छे से डॉक्टर को बताइए, खाना खा के कुछ चीज़ को बाइट करके उनको बताइए कि हाँ मैं अच्छे से हूँ या नहीं हूँ। घबराना नहीं है, बहुत बार क्या होता है पेशेंट सोचता है कि वो तो ऐसे लग रहा है हाई पॉइंट्स है तो वो बाद में जाके ठीक हो जाएगा और वो डॉक्टर को कुछ नहीं कहते और वो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फीलिंग करवाते हो, आपको नॉर्मल फील हो रहा है, बाइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी साइड से भी टीथ अच्छे से बंद हो रहे हैं और इस साइड से भी बंद हो रहे हैं, तो वो जैसे पहले था वैसा नॉर्मल लग रहा है, तभी आप वहाँ से पूरा श्योर होके फिर आप अपने घर जाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो आपकी फीलिंग करने के बाद दर्द नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।